Good morning. This is Amritpal Kaur once again, and I hope that you all are doing good. As you all know that I have started a grammar series in which I am telling you how to be accurate with your grammatical range and accuracy so that you can assure band 7 or higher in your both writing and speaking. So today's lecture is really very important, and I am going to tell this whole lecture both in English and Punjabi, and sometimes the combination of the both. So if you really do not understand Punjabi, just bear me for that. So let's start with English grammar with a bit hints of Punjabi. So English grammar de vich ki hunda, students generally get confused that how to use is, am, are, was, were, has, have and had. So की होता है कि जब तुसी गलत तरीके नाल यूज करते हो आह बेसिक वर्ड्स भी तो एग्जामिनर को एक गल पता लग जाती है दैट यू डोंट इवन डिजर्व बैंड 6. सो इन्हां दा सही यूज थोनू किवें पता चले भी कितने इज एम आर यूज करना, कितने वॉज वर ते कितने हैज हैव हैड यूज करना. बेसिकली की आ कि जदों भी आपां इन्हां चीज़ां नू समझदे आ तो सब तो पहला आपां टाइम का ध्यान रखना है. टाइम मीन्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. सो फ्यूचर की गुड थिंग की है कि जनरली ये डिफाइन ही कादे नाल हुंदा है, विल दे नाल या वुड दे नाल. ओके, अदरवाइज देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन द कनेक्टर्स ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, बट या देयर इज अ बिग डिफरेंस. सो तुसी ध्यान रखिया करो जो भी कोई चीज लिखते हो, इफ यू आर राइटिंग समथिंग इन पास्ट देन यू मस्ट बी यूजिंग वॉज वर्ड एंड हैड. तो जे तुसी कोई चीज प्रेजेंट च दसना चाहते हो तो जां फ्यूचर च दसना चाहते हो तो की आएगा इज एम आर हैज ते हैव. सिमिलरली एदे विच भी की होगा, एदे विच सिंपल विल ते यूज होगा ही होगा, उदे नाल यूज हुंदा है दे कैन यूज हैज और हैव. ओके, हुण इनू फर्दर जिहड़ी नैक्सट चीज दा इंपॉर्टेंट आ, जिहड़ी नैक्सट चीज इंपॉर्टेंट आ जिहड़ी तुसी ध्यान च रखनी आ ओह इही आ वी यूज कित्थे कित्थे होणे आ. थोनू किवें पता चले भी उत्थे इज आना सी कि वॉज आना सी कि एम आना सी. सो इहदे वास्ते थोनू पता होना चाहिए कि सिंगुलर की हुंदा है ते प्लूरल की हुंदा है. सो ये जिहड़े हेल्पिंग वर्ब्स ने, दीज ऑल हेल्पिंग वर्ब्स एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट, वेदर योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल. सो जे सिंगुलर आ ते गल प्रेजेंट च हो रही आ ते की यूज होगा इज, ते एम का तो कोई चक्कर ही नहीं है, ये हमेशा आई नाल यूज होगा. आई एम टीचिंग यू. ओके, सो इस कादे नाल यूज होगा सिंगुलर. हुण सिंगुलर च की आउंदे आ, आह ते आपां नूं शुरू तो सिखाउंदे आए आ ही, शी, इट, दिस. होर की हो सकदा जिवें गवर्नमेंट, होर की हो सकदा इनवायरमेंट, होर की हो सकदा है एनी प्रॉपर नाउन जिहड़ा आपां एक्चुअल जदों लैंग्वेज की गल आउंदी आ उदों आपां यूज करदे ए सारे सब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट जे सिंगुलर आ ते की यूज होगा इन्हां सारिआं दे नाल, की यूज होगा या ते इज या वॉज ते जा हैज. सो इन्हां विचों हैड दी वी इक खासियत, हैड नूं कोई फर्क नहीं पैंदा सिंगुलर होवे प्लूरल होवे सारिआं नाल हैड यूज करना है. बट वैन इट कम्स टू इज वॉज ते हैज ए सिर्फ ते सिर्फ सिंगुलर्स नाल यूज होंदे आ, जिवें मान लो बार ग्राफ. ओके, अ चाइल्ड, ए सारे आ सारे सिंगुलर. सो प्लीज इन्हां नूं समझो, जदों तुहानूं ये पता चल गया कि आह सिंगुलर हुंदा तुसीं आ ही शी इट वेखते रह जांदे हो, यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आ वी आ. फॉर एग्जाम्पल वाइट बोर्ड, अ वाइट बोर्ड, अ रूल, अ रेगुलेशन. सो ये सारे की आ सिंगुलर. ते जदों आउंदी आ प्लूरल दी टर्न, प्लूरल दे वास्ते कहड़े हुंदे आ जिहड़े मोर देन वन. फॉर एग्जाम्पल इहदे च आ जाऊगा आर, वैन इट कम्स टू
present and verb when it comes to past. So इधर इस plural दी निशानी की है जिमें people, children, authorities. अपन की सिखा दिया I, we, you, they. ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੂਰਲਸ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਪਲੂਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਓਕੇ ਦੈਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫਸ ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਆਰ ਤੇ ਵਰ ਜੇ ਪਾਸਟ ਚ ਤੇ ਵਰ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ ਤੇ ਆਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਵ ਹੁਣ ਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਮ ਤੇ ਹੈਵ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਆ ਤੇ ਆਈ ਲੈਟਰ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਈ ਮਸਟ ਬੀ ਕੈਪੀਟਲ ਯੂ ਮਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਲੈਕਚਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕਸ ਵੀ ਕਰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਗਿਵ ਯੂ ਈਵਨ ਬੈਡ ਸਿਕਸ So please work on it. Jitan thonu eh clear hoge, you can say that now you know English. Like 60%. So aaj da lecture je thonu sara samajh aa gaya, you can surely, you can say that you know English. Otherwise, je thonu haje tak eh nahi si pata, we has kithe use hunda, have kithe use hunda. Ede to ilawa hor vi bahut sare rules ne. For example, jivein has na third form aundi hai. Oh vi main with in coming some days so I will be sharing that video as well ki verb the form ki mein vary kar diya with respect to helping verbs as well as with respect to different subjects that is singular and plural so thank you thanks for watching